das darunter mit diesem Unterwassig. Hat man den bis zum Ende Aniket im Leg mit Sadhana Patrika mit und उन्होंने कहा कि यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है हिंदू चेतना एक प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला पूजक हुए साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी के रथ यात्रा की प्रसारण में गुजरात के समन्वय की भूमिका में रहे तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में छह सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के साथ ही हम लोग अगर देखें तो एक भीड़ वृद्धि के बाद नवरात्र के समय जल पीकर 18 घंटे से एक वीर वृद्धि के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे उन्होंने अपना अंशदान किया और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में 14 जनवरी कार्यकर्ता के रूप में आए थे यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण उनका खुद राखा और भक्षण आज Thank you.
हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।
रघुपति राघव राजा रामपति पावन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम
Ram 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 Ram
सभी संतों आप खड़े हो सकते हैं और कुछ ही मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन शिवलिंग पर दर्शन पूजन तर्पण करेंगे, जटायु दर्शन पुष्पार्चन करेंगे, कार्मिकों से मिलेंगे और प्रस्थान करेंगे। डाक विभाग के अधिकारी उनको पीछे की ओर आ जाना चाहिए, मंच के पीछे। Thank you.
पूजन विधि पूर्ण हो गई है। बाईं ओर से लोग निकलकर आ रहे हैं, यहाँ कुर्सियों पर बैठेंगे, इधर अंदर कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। उधर से आना था, उधर से प्रवेश कर जाइए, सामने रास्ता खुला है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, राघव रूप में माँ कौशल्या के राघव, वही नाम जो माँ कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त आप 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि निश्चित तौर से, और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़ कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीट मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम। भक्तवत्सल के सामने भाव विह्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं समूचे राष्ट्र की ओर से, और निश्चित तौर से इसी क्षण का इंतजार शताब्दियों से समूचे राष्ट्र को था, समूचे विश्व मानवता को था। जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। निश्चित तौर से समूचे राष्ट्र की समेकित शक्ति काया, समूचे सनातन संस्कृति का आज अभ्युदय का दिन है, और कहा गया है कि तन की शक्ति हृदय की श्रद्धा आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोटि पुष्प चढ़ रहे देव को शुभ चरणों पर कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। और निश्चित तौर से ये ध्येय है समूचे विश्व कल्याण का, ये ध्येय है जगत गुरु भारत का, ये ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, समर्थ भारत का, सशक्त भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, आत्माभिमानी भारत का, स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का, सुंदर भारत का, विकसित भारत का, और अंततः जगत गुरु भारत का। और जगत गुरु संस्कृति के प्रणेता, विश्व में मर्यादा को प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के लिए
इसके बाद आप नित्यावतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं उन स्वरूप में भी भगवान लगातार अपने दर्शनों के लिए भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। और अब आप देखिए कि प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम इस वक्त 51 इंच की ये जो कृष्ण मूर्ण की मूर्ति आपके समक्ष इस वक्त जो प्रतिष्ठित हो चुकी है भगवान श्री राम लोकाभिरामम इस वक्त मन मोह लेते हैं। और जिस तरह से लगातार पूरे प्रांगण में अयोध्या धाम में जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी शालिग्राम इस वक्त गर्भगृह में माँ गंगा विराजमान है, विराजमान है। शालिग्राम भगवान स्वयं जो दामोदर कुंड से आए हैं वो विराजमान है। और ये सुंदर मेघश्याम वही भगवान श्री राम जब रघुवंश के पति होते हैं तो वो रघुपति होते हैं, जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है तो वो राजा राम होते हैं, जब वो अहिल्ला माँ का उद्धार करते हैं तो वो होते हैं पतित पावन, और जब मिथिला जनकपुर धाम में जाकर मैया सीता के साथ विवाह संस्कार करते हैं तो हो जाते हैं सीताराम। लेकिन भगवान आज न रघुपति हैं, न राजा राम हैं, न पतित पावन हैं, न सीताराम हैं, वो सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। आज पौष के शुक्ल द्वादशी के पावन दिवस पर जब भगवान श्री राम पधारे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, तो माँ कौशल्या अत्यंत प्रसन्न होंगी। भगवान सूर्य जिनके वंश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया इस वक्त जो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं भगवान श्री सूर्य भास्कर की किरणें नवमी के दिन भगवान के मस्तक को चूमेंगी, ऐसी प्रतिष्ठा की गई है इस मंदिर की। आप समझिए कि इस वक्त भगवान शिव नृत्य कर रहे होंगे। मैं इस वक्त जो मन में मेरे भाव आ रहा है कि इस वक्त त्रिलोकी इस वक्त विह्वल नजर आ रही होगी, भावनाओं में नजर आ रही होगी। स्वर्ग लोक में इंद्र इस वक्त मृदंग का वादन कर रहे होंगे, देवता इस वक्त नृत्य कर रहे होंगे, हनुमान लला हनुमंत लाल इस वक्त नाच के श्री राम जय राम जय जय राम जो भी
Thank you.
मस्तक नमन किया है, ईशान कोण के में बैठे हुए, आग्नेय कोण में बैठे हुए संत महापुरुषों को अपना मस्तक नमाकर प्रणाम निवेदन किया है। अब दक्षिण दिशा में बैठे हुए समाज के गणमान्य नागरिकों को प्रधानमंत्री जी अपना अभिवादन प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर देश की लगभग 150 परंपराओं के संत और सभी विधाओं के श्रेष्ठ पुरुष उपस्थित हैं। स्वस्ति वाचन, हरि ओम भद्रांगारणे भी श्रेणुया देवा भद्रं पश्ये माक्षोभिर्जाडतरा स्थिर
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा वृषभवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सुशान्तिर्भवतु। हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज उडुपी मठ पेजावर मठ के मध्वाचार्य और वस्त्र भेंट कर अपना सम्मान अपनी